फेल क्यों किया? टेक्निकल कॉलेज के तुल्को सड़कों पर निकल आए। दुबई चौक इबारदा में एहतजाज, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, ट्रैफिक के रवाने मुतासर। कॉलेज दुबई चौक के तुलबा का पासिंग मास्क न देने पर एहतजाज, मुजाहरे में बड़ी तादाद में तुलबा की शिरकत। कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, फेल होने वाले तुलबा को 33 नंबर देकर पास किया जाए, मुजाहरे में शरीक तुलबा का मुतालबा। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि पंजाब भर में तमाम टेक्निकल स्टूडेंट्स ने आज प्रोटेस्ट किया, लाहौर में प्रोटेस्ट किया गया, मुल्तान में प्रोटेस्ट किया गया, इसके अलावा रावलपिंडी और मुख्तलिफ जगहों पर तमाम टेक्निकल स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और मैं समझता हूँ ये कामयाब तरीन प्रोटेस्ट रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, और पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन पर इसका खासा असर पड़ा है। तो अब स्टूडेंट्स को ये कहा गया है कि नेक्स्ट जो फ्राइडे है, इस फ्राइडे को हम एक न्यू नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो मुल्तान में प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ पर भी मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, तो स्टूडेंट्स ने ये बताया कि हमें भी ये कहा गया है कि हम स्टूडेंट्स को रिलीफ देंगे। तो अब देखना पड़ेगा कि क्योंकि असल जो पॉलिसी बनानी है वो पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन ने बनानी है। आम स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इसके अलावा एक्स स्टूडेंट्स हैं, गोल्डन चांस वाले स्टूडेंट्स हैं, कि उन्हें 33% मार्क्स दे के पास किया जाए। जैसा कि एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने ये अनाउंसमेंट कर रखी है कि तमाम स्टूडेंट्स को 33% नंबर दे के पास किया जाएगा। आज जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका जो मेन पॉइंट था यही था कि तमाम स्टूडेंट्स को पास किया जाए। अब वो क्या फ़ैसला करते हैं, इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट हुआ, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।